नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश तिलोतिया है और एसआर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे पास में आया है एलजी कंपनी का ये सेट 32 इंची, जिसमें बैकलाइट प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इसमें पिक्चर जो चलती है हमको दिखाई नहीं दे रही है। वो इस वजह से नहीं दिखाई दे रही क्योंकि इसके अंदर जो बैकलाइट स्ट्रिप लगी रहती है वो नहीं जल रही है। तो दोस्तों, हम इसको ओपन करके देखेंगे कि इसमें क्या है प्रॉब्लम और क्या प्रॉब्लम इसका निकलता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक अवश्य कीजिए। चलो दोस्तों, मैं इसको फटाफट ओपन कर लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या है प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ये सेट को हमने ओपन करने के बाद में इसकी एलईडी स्ट्रिप आप देख सकते हैं, ये पुरानी वाली एलईडी के रिफ्लेक्टर है, ये सभी गिर गए थे, आप देख सकते हैं ये। और ये एलईडी भी दोस्तों, ये तीनों स्ट्रिप शॉर्ट हो चुकी थी, ये आप देख सकते हैं। इनके ऊपर से ये जो रिफ्लेक्टर है ये सभी गिर गए थे। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे इसमें नई एलईडी स्ट्रिप लगाई है। दोस्तों, ये 6 वोल्ट की एक एलईडी है और 6 के सेट में है, मतलब 6 एलईडी की एक स्ट्रिप है और एक एलईडी 6 वोल्ट की है। ओके दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर अभी पूरी तरीके से इसकी फिटिंग कर ली है, नई एलईडी लगा दी है। पुरानी एलईडी ये है हमारे सामने। अब हम इसको कंप्लीट करने के बाद में ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इस तरीके से शॉर्ट हो गई थी, शॉर्ट भी हो गई, जल भी गई थी ये। तो ये सभी एलईडी खराब हो चुकी थी, ये हमने तीनों स्ट्रिप चेंज नई लगा दी है। अब हम इसको चेक करेंगे क्या हमारा भी ये कनेक्टर लगाने दोस्तों ही बाकी है। आप देख सकते हैं ये जो पुरानी एलईडी जब मैं निकाल रहा था तो ये निकालते समय टूट गई। तो ये कनेक्टर लगाने के बाद में हम फिर इसको चेक करेंगे क्या हमारा प्रॉब्लम दूर हुआ है या नहीं। ओके फ्रेंड, तो दोस्तों इसको कनेक्टर लगाने के बाद में ये आप देख सकते हैं कनेक्टर लगा दिए हैं। ये मैं सप्लाई में इस टीवी को दे रहा हूँ, देखते हैं बैकलाइट हमारी चालू होती है या नहीं। तो ये सेट ये देखिए दोस्तों, बैकलाइट हमारी पूरी की पूरी ब्राइटनेस के साथ में ग्लो हो गई है। ओके दोस्तों, अब मैं इसको कम्प्लीटली पैक कर लूँ। ओके दोस्तों, तो ये रिफ्लेक्टर जो अंदर सेट में लगा रहता है इसको हम लगा लेते हैं। ओके दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते चलूंगा कि इसमें क्या क्या रहता है। जब हम स्क्रीन को ओपन करते हैं और लगाते हैं तो ये रिफ्लेक्टर लगा रहता है एलईडीओ के पास में, ताकि ब्राइटनेस अच्छे से स्क्रीन पर पड़े। ओके दोस्तों, ये लॉक रहते हैं जिससे ये रिफ्लेक्टर दबा हुआ रहता है, तो मैं इनको लॉक कर देता हूँ इस तरीके से। तो दोस्तों, ये जो ऊपर वाला आप रिफ्लेक्टर देख रहे हैं ये एलईडी के ऊपर लगता है, तो ये हमने इसको सेट कर दिया है अपनी जगह पर। अब आप देखेंगे कि ये जो है ये ट्रे इसको लॉक करके रखती है रिफ्लेक्टर को, ताकि ये बाहर ना निकले। तो इसको हम अच्छे से इधर लॉक कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखते रहें, स्क्रीप ना करें। ओके दोस्तों, क्योंकि स्क्रीप अगर आप करोगे तो कुछ चीजें आपको समझ में आएगी, कुछ नहीं आएगी। ये हम थोड़ा सा इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा सेट नहीं हो पाया था ये। ओके फ्रेंड, तो ये कम्प्लीटली हमारा ट्रे जो अच्छे से सेट हो गया है इसमें। अब इसके ऊपर हम पैनल जमाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पैनल है, आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ से, ये काफी पतला रहता है दोस्तों। तो जब भी आप इसको उठाएं तो ध्यान से उठाएं, नहीं तो नुकसान होने में देर नहीं लगती इसमें। और इसको दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। ओके दोस्तों, बहुत इजी है, ज्यादा दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, मैं इसको कम्प्लीटली पैक करने के बाद में फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि काफी दिक्कत जा रही है एक हाथ से वीडियो बनाने में। हम कंप्लीट कर रहे हैं इसको, बस ये कंप्लीट होने ही वाला है, बस दोस्तों स्क्रू माउंट करने हैं इसके। ये एलबीडीएस कनेक्टर जो है दोस्तों, इसको अच्छे से लगा लेते हैं। ओके दोस्तों,
अब ये हमारा सेट पैक होने के बाद में चलने के लिए रेडी है, तो इसको कम्प्लीटली पैक करने के बाद में आपको दिखाऊंगा कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। ओके फ्रेंड, तो दोस्तों हम अभी इसी कंडीशन में इसको एक बार सप्लाई दे के देखते हैं, क्योंकि हमने जो LBDS कनेक्टर लगाया है कहीं उसमें डस्ट वगैरह कुछ है तो नहीं, हमारी पिक्चर आ रही है नहीं, देख सकते हैं टीवी हमारी चालू हो गई है लेकिन अभी कोई सिग्नल संकेत, ये देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे HDMI 1 और नो सिग्नल लिखा आ गया है, मतलब हमारा सेट जो है पूरी तरीके से ओके हो गया है। ओके फ्रेंड, तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों सेट को कम्प्लीट ही पैक करने के